नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 8 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 8 जगह के नतीजे भी आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि तमाम प्रखंडों में एक बदलाव की लहर चली है और वही बदलाव की लहर का असर बरहड़िया प्रखंड में भी पड़ा हुआ है। तो बरहड़िया प्रखंड में कुल 4 जिला परिषद के क्षेत्र की संख्या यहाँ पे है, 4 जिला परिषद अंतर्गत आता है यहाँ पे। तो जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 के जो भावी जिला परिषद प्रत्याशी हैं, आसिफ अली जी हमारे साथ मौजूद हैं। ऐसे तो इनको भुटेली भाई के नाम से भी जाना जाता है। तो इनसे जानेंगे कि जो इस क्षेत्र का जो युवा है वो किन के साथ है, क्योंकि तमाम प्रखंडों में जहाँ भी बदलाव हुए हैं उस प्रखंड के या तो युवा खुद चुनाव लड़ा है, नहीं तो किसी एक अच्छे प्रत्याशी को लोग सपोर्ट किया है तब जाकर बदलाव हुआ है। हालांकि आसिफ जी तो खुद एक यूथ हैं, तो क्या युवा का सपोर्ट इनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आइए इन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले आसिफ जी, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जी नमस्कार। तो क्या लग रहा है आसिफ जी, 3 नवंबर के दिन आपके क्षेत्र की जनता बदलाव के मुद्दा पे वोट डालेगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे क्षेत्र की जनता हमारे साथ है, युवा हमारे साथ है, सभी लोग को हम लेकर चलने वाले हैं और सब लोग हमारे साथ हैं, हमको वोट करेंगे, हमको उम्मीद है। आज हम अपने क्षेत्र में निकले हुए हैं, काफ़ी आप लोग भी भरमर कीजिए यहाँ पे, हर जगह से हम लोग अच्छा है, ठीक है। लोग युवा को पसंद कर रहा है, युवाओं को लोग चाह रहा है, युवा का दौर है, लोगों का सपोर्ट और प्यार हमें बहुत अच्छा से मिल रहा है। तो एक चीज़ और है आसिफ जी के, ये जहाँ भी बदलाव हुए हैं युवा के बदौलत ही हुआ है, युवा टर्निंग पॉइंट हुआ है चुनाव में, लेकिन यूथ के आ जाने से जो पंचायती राज चुनाव में जातीय समीकरण एक मुद्दा होता था वो अब समाप्त हो चुका है और यही देन है कि 90% पंचायतों में बदलाव हो रहे हैं और 10% ही ऐसे हैं जो काम किए हैं जनता उनको ला रही है। तो क्या लग रहा है आपके भी क्षेत्र की जनता जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर एक शिक्षित और युवा के साथ आएगी? बिल्कुल, हम जात पात पे कोई विश्वास नहीं रखते हैं, सबको लेकर चलते हैं, सबको एक समान मानते हैं, सभी जात के लोग हमारे साथ हैं, सब लोग हम एक नजर से देखते हैं और जाति पाति वाली जो है उसको दूर कर रहे हैं लोगों से, क्योंकि हर जाति के लोग हमको वोट कर रहे हैं, सब लोग हमारे भाई हैं, सब लोग हमारे साथी हैं और किसी से कोई शिकायत हमको नहीं है, ना लोग जनता को हमसे कोई शिकायत है, सबको हम साथ सबको लेके चलते हैं। तो एक चीज़ है कि पंचायती राज चुनाव का जो कड़वा सच है, लास्ट की दो रातें क़यामत की रात मानी जाती है, बिल्कुल बिल्कुल, उसी दो रात में राजनीति कब करवट ले ले किसी को पता नहीं चलता है, क्योंकि शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद होगा वैसे दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है। तो हमारे समाज में आज भी 10% ऐसे वोटर हैं जो लालच में आके गलत कैंडिडेट को वोट कर देते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार वो 10% वोटर समझदारी के साथ एक यूथ के साथ आ पाएंगे? बिल्कुल, सभी लोग समझदार हैं, सब लोग समझदारी के साथ आएंगे। और रही बात वो दारू की और जो आप बात कर रहे हो, तो उस पर हम विश्वास नहीं रखते हैं और वो लोग जो है कुछ बहुरुपिया आए हैं चुनाव में, चुनाव लड़ने के लिए इधर उधर से लोग लड़ रहे हैं चुनाव, उन लोग के साथ जनता नहीं है, उन लोग को जनता समझ रही है कौन क्या है, हम लोग साथ जनता के साथ में रहे हैं, रात दिन जनता की सेवा किए हुए हैं, हमको अपने आप पे और हमारी जनता को पूरा हमको भरोसा है, विश्वास है, जनता हमारे साथ रहेगी और सारे लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं और करेंगे। तो अगर यहाँ से जनता आपको जिला परिषद चुनती है जी, तो कौन से कार्य को आप प्राथमिकता दीजिएगा सबसे? बिल्कुल, हमारे यहाँ लोगों को पता ये नहीं है, जिला परिषद तो अपने यहाँ देखते हैं कि लोग चुनाव जीतते हैं फिर 5 साल के बाद ही लोग मिलेंगे, लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन हम लोग के बीच में बने रहने का काम करेंगे और जो भी हमारे यहाँ कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, जो रोड का कुछ कार्य है, जो नाला का कार्य है, जो लोग नहीं कर पाते हम उस चीज़ को आगे बढ़ के कार्य करेंगे और लोगों के बीच रहेंगे। तो यहाँ से तो बहुत सारे प्रत्याशी नामांकन कराए, कुल 18 प्रत्याशी नामांकन कराए हैं, तो जनता थोड़ा कंफ्यूज है कि किसको वोट करें। देखिए, जनता अपना मुंड बना ली हुई है, जनता अपना विचार बना ली हुई है, हमको किसको वोट करना है, क्या करना है, जनता को कुछ समझाना नहीं है, जनता सब अपना कैंडिडेट अपना चूज कर ली है और जनता हमारे साथ है, लोग आ रहे हैं, लोग बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, दारू जो भी बांट रहे हैं उससे हम लोग को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हम शिक्षित हैं, हमारे साथ शिक्षित बच्चे सब घूम रहे हैं, लोग हमारे साथ हैं, हमको किसी चीज़ से डर नहीं है और अनेक तरह के लोग बातें कर रहे हैं उस बात पे हमको कोई ध्यान नहीं देना है और हम कहेंगे अपने जो भी हमारे साथ जनता जनार्दन जो जुड़े हुए हैं वो लोग भी इस चीज़ पे ध्यान ना दें और हमारे साथ जैसे हैं जैसे रहें वैसे बने रहें। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अंत में जो मकई का बाल छाप आपको चुनाव चिन्ह मिला है जी, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? कोई नहीं, मकई के बाल कभी जीता है, अभी जीत रहा है, फिर जीतेगा, मकई के बाल में कोई राय नहीं है, बहुत अच्छा चुनाव चिन्ह है मकई के बाल, लोगों को समझाने में भी हमको आसान हो रहा है और लोग भी खुश हैं मकई के बाल से और बहुत प्यार मिल रहा है, हर जगह मकई के बाल आप देख रहे हैं जीत रहा है मकई के बाल, इससे अच्छा सिंबल तो हमको कुछ ही नहीं है।
बहुत अच्छा है मकई के बाद। शायद हमको लग रहा है कि जितने भी 18 प्रत्याशी चुनाव में आए हुए हैं उनमें सबसे कम उम्र के शायद आप ही हैं। नहीं, हाँ हम हैं कम उम्र के, हम कहना पड़ा है समाज को देखते हुए। हम भी काम वाले आदमी हैं, हम भी काम करते हैं, दुकान अपना भी है, लेकिन हमको लगा कि नहीं, चुनाव में हमको आना चाहिए, राजनीतिक में हमको आना चाहिए, क्योंकि जो भी लोग पिछले 15 साल 20 साल से जो लोग अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के बीच नहीं रहते हैं, लोगों का यही शिकायत है कि हमारे बीच जिला परिषद जीत के फिर 5 साल के बाद ही मिलते हैं। लेकिन इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग आए हुए हैं भैया, और हम लोग इस चीज़ को दूर करेंगे, और जनता को कोई हमसे शिकायत नहीं रहेगी। अगर हम वोट हमको मिला और हम काम नहीं किए, जनता के वादे पर खरा नहीं उतरे, तो 5 साल के बाद हम इस क्षेत्र में मुंह नहीं दिखाएंगे, दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो जैसा कि हमारे साथ मौजूद है अभी आसिफ अली, जो क्षेत्र संख्या 20 के भावी उम्मीदवार हैं, और यहां से तो टोटल 18 प्रत्याशी नामांकन कराए हैं, लेकिन जीत उसी की होगी जिधर ये युवा जोश जाएगा, क्योंकि युवाओं के बदौलत ही तमाम प्रखंडों में बदलाव हुए हैं। और एक आसिफ जी जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो सारे प्रत्याशियों से सबसे कम उम्र के हैं, और युवाओं का सपोर्ट इनके साथ भरपूर है। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, जो भी इनके पीछे खड़े हैं वो सब यूथ हैं, और ये लोग डोर टू डोर जाकर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि युवा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। एक युवा अगर 10 आदमी को भी समझाता है तो बहुत बड़ी बात होती है। तो आइए, कुछ लोग मौजूद हैं, इन लोगों को समझाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद इमराज अली है। क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होगा? बिल्कुल, बेशक बदलाव के लिए ही हम लोग इसमें कदम डाले हैं, और बदलाव बिल्कुल आना ही है इस बार। बहुत हम लोग देख करके ये सब चीज़ से हम लोग थक चुके हैं, इस वजह से हम लोग इसमें, हम लोग युवा यंग मैन जो भी हैं, हम लोग इसमें खड़े हुए हैं कि ताकि इसको बदलाव हम लोग ला सकें। तो बदलाव करके किसको लाना चाहते हैं आप? बदलाव करके हमारे आसिफ भैया हैं, जो इनको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत पहले से। हमारा घर तो पड़ेगा बभन बारा शरीफ में, मगर हम लोग को बहुत अच्छे से इनको पहले से ही जानते हैं, पहले से ये समाज सेवा में रहते थे और काफ़ी लोगों को मदद भी किए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग बोले कि आसिफ भैया को अगर हम लोग चुनाव में अगर जो किसी चीज़ पे हम लोग पद पे दे दिया जाए, तो शायद और अच्छा इससे काम करेंगे और भी बदलाव आएगा। हमारा जो भी हमारा पंचायत है, हमारा जो अपना बड़हरिया प्रखंड है, इसमें बहुत सारा बदलाव आ जाएगा, हमारा ये उम्मीद है। इसी उम्मीद को लेकर के हम भैया को साथ में घूम रहे हैं, और सबके पास जा करके हम लोग यही विनती कर रहे हैं कि आसिफ भैया को एक बार मौका दिया जाए, ताकि हर गली हर घर में बदलाव आए। आपका नाम क्या है भैया? जी, मेरा नाम ऋषि कुमार कुशवाहा हुआ। तो क्या, जैसे आसिफ जी एक यूथ हैं और आप भी एक युवा हैं जी, तो क्या लग रहा है कि जो जहाँ भी बदलाव हुए हैं वहाँ का युवा जागरूक तो हो चुका है, क्या आपके क्षेत्र का युवा जागरूक हुआ है? देखिए, कोई भी अभी जगह देख लीजिए, बड़हरिया और पचरुखी हुआ, कहीं भी युवा नेता अभी जीत के आ रहा है। सही बात। हमारे बगल भी बड़हरिया संख्या 20 में हमारे आसिफ भाई हैं, वो जीत रहे हैं, पूरा युवा इनके साथ है। बभनबारा जाइए, तिरसंडी जाइए, भदाए जाइए, बहुआरा जाइए, पूरा स्टूडेंट जो भी है युवा इनके साथ लड़का, क्योंकि आंध्र प्रखंड में एक 21 साल के युवा जिला परिषद जीते हैं, अरविंद कुमार यादव जी, उनका उम्र मात्र 21 साल है, 21 साल 6 महीना वही आप कहीं 6 महीना ही हुआ अभी उनको नौजवान आमदी आ रहा है ना, अब ओल्ड मैन नहीं आ रहा है, नौजवान आमदी को पूरा लोग सपोर्ट कर रहा है, युवा नौजवान आमदी को खोज रहा है, हम जोलिया को खोज रहा है, अब बहुत अच्छा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों का साफ कहना है कि हम लोग युवा हैं, तो कभी हम लोग युवा को ही सपोर्ट करेंगे, और युवा के नाम पे ऐसे युवा को सपोर्ट करेंगे जो जमीनी हकीकत से जुड़ा हुआ हो, जो समाज को जानता हो, समाज क्या होता है, जनता की समस्या क्या है, इन चीज़ों पर जो कार्य करने वाला हो, उस युवा के साथ हम लोग हैं। ऐसे तो 18 प्रत्याशी में बहुत सारे युवा हैं, लेकिन उन्हीं में से जो खास युवा है वो है आसिफ जी, क्योंकि ये समाज सेविक हैं, समाज के लिए हमेशा ये तत्पर रहते हैं, तो ऐसे युवा चाहिए यहाँ के युवाओं के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 Live पर, इस क्षेत्र का हर एक अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे, और 13 नवम्बर के दिन सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 की जनता अपना 5 साल का भविष्य किन के हाथों में देती है। तब तक के लिए धन्यवाद।